Next question. Question says a bomb is dropped from a plane flying horizontally with uniform speed. Show that the bomb will explode vertically below the plane. Next सवाल है इसका, is it is the statement true if the plane flies with the uniform speed but not horizontally? Now अच्छा conceptual सवाल है और इससे concepts अपने clear होंगे. तो say for example, मान लीजिए ये आपका aeroplane है and this is how it is flying और ये आपका ground है और यहाँ से उस time पे जब आपने bomb drop किया, let's say इसकी velocity u थी. So जैसे ही हमने यहाँ से bomb या फिर कोई भी food packet यहाँ से अगर हमने drop किया है, सो उस टाइम पे ये जो फूड पैकेट गिरेगा, इट विल बी लाइक ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. तो यहाँ पे आके इस जगह पे गिरेगा. नाउ इफ़ यू एक्चुअली लुक एट इट, जब आपका प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ उस टाइम पे उस प्रोजेक्टाइल की और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू होएगी. सो यू एक्स विल बी इक्वल टू यू और यू वाई इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो. और उस केस में ये जो पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ आएगा वो आपकी ग्रेविटी की वजह से, जी की वजह से नीचे उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन ये जो है यू एक्स ये आपका कॉन्स्टेंट रहेगा. नाउ इमेजिन करो जब ये यहाँ पे पार्टिकल हिट किया है उस टाइम पे, लेट मी मेक मोर स्पेस हेयर, उस टाइम पे जो है यहाँ पे इसको लिख लेते हैं यू एक्स विल बी इक्वल टू यू, यू वाई विल बी इक्वल टू जीरो. नाउ जब ये पार्टिकल यहाँ पे हिट किया तो उसने ये जो रेंज जिसको हम कहते हैं, ये रेंज जो ट्रैवल किया उसको हम कहते हैं यू टी. तो टी टाइम में इस वेलोसिटी के हिसाब से उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. अगेन यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपका एयर रेजिस्टेंस जीरो है. एयर रेजिस्टेंस होएगा तो देन थिंग्स विल चेंज, बट लेट्स अज्यूम ये वैक्यूम में बात हो रही है ये सारी. तो उस केस में इस पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतने ही टाइम में ये जो आपका एरोप्लेन है ये एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस R इज इक्वल टू यू टी ट्रैवल करेगा. सो जब ये बॉम्ब यहाँ पे गिरा है या फूड पैकेट यहाँ गिरा है उस टाइम पे आपका एरोप्लेन एग्जैक्ट इसके ऊपर होएगा. तो पायलट कैन सी, ऐसे जाके हम अगर देखेंगे तो ये ऐसे गया है ग्राउंड से खड़े होके जब आप देख रहे हैं. सो इस फ्रेम में जब आपने देखा तो आपको ये मोशन प्रोजेक्टाइल दिखा, लेकिन इस पायलट के लिए इट विल ऑलवेज बी गोइंग इन स्ट्रेट लाइन, नीचे वो जा रहा होगा और दोनों का उस टी टाइम पे ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होएगा. सो इट विल फॉल एग्जैक्टली बिलो दिस आपका जो एरोप्लेन है. नाउ इमेजिन करिए केस से फॉर एग्जांपल हमारा एरोप्लेन ऐसे जा रहा है और यहाँ पे इसकी इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है यू, ये आपका एरोप्लेन, और यहाँ से आपका जो पार्टिकल ड्रॉप हुआ है तो ये आपके पार्टिकल की ट्रेजिक्ट्री होएगी. उस केस में आपका जो पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, लेट्स से ये एंगल थीटा है, वो वेलोसिटी यू कॉस थीटा होएगी. इसको एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यू एक्स जो आएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यू वाई जो होएगा वाई डायरेक्शन में, दैट विल बी यू साइन थीटा, वो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होएगी. नाउ इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होएगा यहाँ से यहाँ तक, जो रेंज ये कवर करेगा आर, दैट विल बी इक्वल टू यू एक्स कॉस थीटा, राइट, सॉरी यू एक्स इन टू टी, एंड दैट विल बी यू कॉस थीटा टी. और ये प्लेन अज्यूमिंग उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से सीधा जा रहा है तो उसके जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, तो प्लेन यहाँ से यहाँ पहुँचा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करेगा ये वाला, वो अगेन आर जो है आपका सेम होएगा, आर विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा टी. सो ये और ये दोनों सेम चीज़ होंगे. तो आपका प्लेन चाहे हॉरिजॉन्टली जाए या किसी और डायरेक्शन में ऐसे या ऐसे जा रहा हो, लेकिन आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का उस टाइम टी में सेम होएगा, एंड हेंस आपका जो बॉम्ब है वो वर्टिकली बिल्कुल नीचे ड्रॉप करेगा. ना अपने जो एयरफोर्स वाले पायलट होते हैं, इफ दे ड्रॉप अ बॉम्ब, दे मेक श्योर कि उसके बाद वो ट्रेजेक्ट्री चेंज करें या फिर दे मेक श्योर उसके बाद वो एक्सेलरेट करें, और मे बी बोथ, सो दैट दे कैन अवॉइड दोज फ्यूम्स. ऑलराइट,